हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पढ़ाया था रिंग एनी हर्ट तक। अब इस वीडियो में हम आपको शुरू करते हैं माय आर्म से। तो देखिए विलियम सी डगलस क्या कहते हैं, माय आर्म्स वर फुल, मेरी जो भुजाएं हैं बाएं हैं वो पूरी भरे हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट एलोन एनी नीड, और ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी और दूसरी डलिया की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपनी डलियाओं को बैलेंस करते हुए, संभालते हुए। एंड फेंस और पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाई भुजा पर। आई रीच्ड इनटू माई राइट पॉकेट, कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट की सीधी जेब में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग ये 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैंने डलिया में डाल दिया। दैट, जिसे कि द यंग गर्ल, छोटी लड़की ने हेल्ड पकड़ा हुआ था। इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मेरी तरफ आशा की दृष्टि से। आई ट्राइड, और मैंने कोशिश की टू एक्सप्लेन, बताने की। दैट कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं डलिया नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें दान दे सकता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, लेकिन तभी तुरंत। आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज महसूस किया एट वंस, तुरंत ही। व्हाट ऑफेंस, क्या अपराध। आई हैड गिवन, मैंने कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जिसने भद्दे या बेकार कपड़े पहने हुए थे। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चेन, उसने अपनी ठोड़ी उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, डलिया में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व के साथ। एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक औरत की महानता के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब जो मैं कर सकता था केवल एक चीज़ थी। आई बॉट द बास्केट, मैंने डलिया खरीद ली। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आँखें आंखें पहुँची। स्माइल्ड, हंसी। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे दौड़ गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी एक फूस की झोंपड़ी में। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिसमें उस रात कम से कम 30 सेंट्स थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने, विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि मैंने ये स्टोरी, ये कहानी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, और मैंने बताया कि यही केवल एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा था। द पीपल आई सा इन इंडिया, वो बता रहे हैं कि द पीपल, लोग आई सा, मैंने देखा इन इंडिया, भारत में। दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में हो, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो ऊंचे ऊंचे दफ्तरों में बैठे हों। है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप, उन सब के अंदर गर्व और नागरिकता का भाव है। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर पैशन में जुनून है फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए उनके अंदर क्या था, जुनून था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, और क्या बता रहे हैं कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर सी बच्ची, बॉर्न, जो पैदा हुई इन स्क्वैलर एंड पॉवर्टी, गरीबी और दरिद्रता में। अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित है इन बोथ, दोनों तरह से, ग्रामर एंड मैनर्स, ना उसको किसी ने पढ़ाया ना उसको तरीके सिखाए। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म शॉल ऑफ इंडिया, हैड गिवन मी, मुझे दिखा चुकी है ए ग्लिम्स, एक झलक ऑफ द वार्म शॉल, गर्म जोशी की, ऑफ इंडिया, भारत की। यह मुझे भारत की एक गर्म जोशी की झलक दिखा चुकी है।